ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, क्योंकि पंजाब में अब एक नया मुख्यमंत्री, जो पिछले काफी दिनों से एक सवाल था और साथ ही अमरिंदर के इस्तीफे के बाद जो सवाल उठ रहा था उसके बाद अब ये साफ, और ये तस्वीरें क्योंकि अमरिंदर सिंह चन्नी वो नया चेहरा जो अब पंजाब की कमान इनके हाथों में सौंप दी गई है। पंजाब के इतिहास में ये दिन याद इसीलिए रखा जाएगा क्योंकि पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी चेहरा जिन्होंने पंजाब के सीएम पद की शपथ ली है। जगविंदर पटियाल क्योंकि राजभवन के बाहर मौजूद है। जगविंदर पटियाल जी, शपथ हो गई है, चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री पंजाब के। जी हाँ बिल्कुल, चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सिंह को रिप्लेस करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं और चमकौर साहब उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है उसका आज सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा गया, उस बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा जहां पर हमेशा ये जिंदा रहेगा कि कौन आदमी कब मुख्यमंत्री था। दूसरी बड़ी बात, पार्षद से लेके मुख्यमंत्री तक का सफर, और मुझे लगता है कि 55 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी की। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े ने जितना चन्नी को फायदा हुआ है, मैं कल की बात बताता हूँ आपको। कल जब अच्छा जगविंदर, रोकना चाहती हूँ आपको यहाँ पर। इस वक्त रंधावा भी शपथ ले रहे हैं, तस्वीरें सीधी आ रही हैं क्योंकि ये पहले ही साफ कर दिया गया था। जगविंदर आप ही ने ये जानकारी दी थी क्योंकि यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शपथ लेंगे, तो शपथ हो रही है। ईश्वर की सहुं चुकदा है कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजो अपने कर्तव्यों नूं वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, अते मैं भय जां पक्षपात, स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजो मेरे ध्यान लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होगा, वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उस दे के अजिहे मंत्री वजो अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लई अजिहा करना लोड़ीदा होवे, मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। तो देखिए, पहले चरणजीत सिंह चन्नी और अब ये दूसरा चेहरा, हालांकि जिसे लेकर लगभग मोहर लग चुकी थी, साफ हो गया था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आज शपथ लेंगे, तो ये शपथ ले चुके हैं। सीधी तस्वीरें राजभवन के अंदर से सीएम के बाद, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी शपथ ले ली है। जगविंदर देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जो मैं आपको बता रहा था, अब चन्नी ने पहले शपथ ली और सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके कैबिनेट में होंगे, लेकिन कल जब सुखजिंदर सिंह रंधावा को बधाइयां दे रहे थे, लोग बुके दे रहे थे कि सभी विधायकों ने उनके पक्ष में दिया और उनका साफ हो गया है मुख्यमंत्री बनना, तो चरणजीत सिंह चन्नी उनके घर के बाहर पार्क है वहां पर सैर कर रहे थे। अब तो अंदाजा लगाइए, अकेले सैर कर रहे थे, मतलब इनको पता ही नहीं था तब दोपहर तक कि आगे क्या होने वाला है। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो सैर करते करते राजभवन में आकर सीएम बन गए और सुखजिंदर रंधावा जो उस वक्त बधाइयां ले रहे थे, हम देख रहे थे, वो उनके कैबिनेट में
मंत्री होंगे। ये काफिला देखिए, शपथ लेने के बाद ये राहुल गांधी का काफिला माना जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें। ये राहुल गांधी का काफिला पहुंचा है और शपथ के बाद, शपथ लेने के बाद देखिए ये राहुल गांधी की गाड़ियां यहां पहुंची हैं। पायलट गाड़ी आगे गई है, दूसरी पायलट गाड़ी, और ये देखिए बुलेट प्रूफ गाड़ी जो आ रही है, बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार हैं वो देखिए। पिछली सीट पर सवार थे, ये जो गाड़ी भेजी गई है 1173 नंबर गाड़ी जो गई है, इस ये जो राजभवन के अंदर जा रही है, इस गाड़ी में पिछली सीट पर सवार है राहुल गांधी। और राहुल गांधी अपने मोबाइल पर कुछ जैसे मैसेज पढ़ते हैं या कोई कागज पढ़ते हैं, उस तरह से पढ़ रहे थे राहुल। मैं ओपी सोनी, मैं ओपी सोनी ईश्वरी चौक अपना कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखा है, कि मैं भारत की प्रभुता से खड़ता बरकरार रखा है, कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजो अपने कर्तव्य को वफादारी अते शुद्ध अंतकरण निभावांगा, अते मैं भय अते पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं ओपी सोनी ईश्वर की सहुं चुकता हाँ कि मैं कोई मामला पंजाब राज के मंत्री वजो मेरे विचार दीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होएगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसके कि जे मंत्री वजो अपने कर्तव्य के ठीक निभाने लई जिहा करना लोड़ीदा होए, मैं सीधे अते असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। तो देखिए वो तीसरा चेहरा भी जो शपथ अब उनकी भी हो चुकी है, ये है कैप्टन के बाद। देखिए अब ये नई जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो है ओम प्रकाश सोनी और जगविंदर पटियाल। हमारे संवाददाता ने आपसे कुछ ही देर पहले आपको ये बताया था कि कैसे फिर बदल हुआ है, पहले क्योंकि ब्रह्म महिंद्रा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इसी बीच खबर आई, जगविंदर ने हमें बताया कि तीसरा चेहरा जो होगा वो बहुत दिलचस्प, वो ओम प्रकाश सोनी जो कि एक हिंदू चेहरा है। जगविंदर अब तीनों चेहरे साफ हो गए। देखिए ओपी सोनी जो है ये कैप्टन के धड़े के नहीं माने जाते हैं, लेकिन न्यूट्रल से रहते हैं, ये ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर टाइप रखते हैं दिल्ली के अपने थोड़े से कनेक्शंस के जरिए, और जो इनकी सेंट्रल हलके में सबसे ज्यादा पकड़ है अमृतसर में। देखिए खास बात इनकी ये है कि पहला चुनाव ये इंडिपेंडेंट जीते थे, ये मेयर से लेकर आज जो है डिप्टी सीएम तक का सफर इन्होंने तय किया है। दूसरी तरफ चन्नी ने म्यूनसिपल काउंसिलर से लेकर सीएम तक का सफर तय किया, और ये मेयर रहे हैं काफी टाइम तक अमृतसर के, और मेयर से लेकर एमएलए बने, इंडिपेंडेंट एमएलए बने, फिर ये कांग्रेस के एमएलए बने, फिर एमपी का भी चुनाव लड़े, लेकिन इनकी अच्छी खासी पकड़ है अमृतसर में, और कांग्रेस के या विरोधियों के तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक इनको हराया नहीं जा सका है। पहला चुनाव इन्होंने इंडिपेंडेंट जीता था, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस भी इनको तब हरा नहीं पाई थी। तो ओपी सोनी एक नए चेहरे के तौर पर उभर कर आए हैं। कैप्टन सरकार में जब मंत्रिमंडल में थे तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा मंत्री रहते हुए इनका शिक्षा विभाग छीन लिया गया था, क्योंकि कैप्टन इनसे किसी काम को लेकर ना खुश हो गए थे, और फिर इन्हें मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन इस तरह के डिपार्टमेंट दे दिए गए थे जो अपेक्षाकृत कम असरदार थे, तो उसको तब इन्होंने बहुत एतराज जताया था कि अफसरशाही के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन देखिए सियासत जो है किस्मत का खेल होती है, कहां इनका जो है प्रभाव कम किया गया था, आज इनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि जिन्होंने इनका प्रभाव कम किया था वो खुद प्रभाव लायक नहीं रहे, तो ये प्रभाव का ही खेल है सियासत में। तो कुल मिलाकर ओपी सोनी की शपथ के वक्त राहुल गांधी यहां पहुंचे, क्योंकि वो थोड़ी देर लेट थे, शपथ ज्यादा लेट हो रही थी, अब 11:30 हो चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट इंतजार करने के बाद चरणजीत चन्नी ने शपथ ले ली, उसके बाद सुखजिंदर रंधावा ने शपथ ली, और तीसरे नंबर पर नाम आया ओपी सोनी का। देखिए एक चौंकाने वाली बात यह भी हुई है कि सिद्धू अमृतसर से आते हैं और वो कहते हैं कि मैं पटियाला का बाशिंदा था और मैं अब गुरु अमृतसर साहिब की जो है वो धार्मिक सीट की जो है राजनीति करूंगा, मैं यही रहूंगा, वहीं इन्होंने अपना घर बना लिया था। अब चौंकाने वाली बात यह है कि सब कुछ माझा को ही मिल रहा है, सिद्धू यानी पार्टी प्रधान था वो भी अमृतसर से, डिप्टी सीएम अगर लगता है हिंदू चेहरा वो भी अमृतसर से, तीसरा अगर सुखजिंदर रंधावा को डिप्टी सीएम बनाया गया तो वो अमृतसर के बगल वाले माझा के जिले गुरदासपुर से हैं। सो माझा अचानक स्ट्रांग हो गया, पंजाब की राजनीति में मालवा का बड़ा रोल रहा है, चाहे बादल परिवार हो चाहे कैप्टन परिवार हो, ये पटियाला और बठिंडा से आते हैं, ये मालवा की राजनीति होती है, मालवा की 69 सीट्स हैं, इसलिए कहा यह जाता था कि जो भी सीएम होगा, जैसे कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी की हवा है वो यूपी से निकलती है, उसी तरह से ये कहा जाता था कि चीफ मिनिस्टर की हवा जो है वो पंजाब के मालवा से निकलती है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि माझा रीजन स्ट्रांग
हो गया है पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते अपने रीजन को कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बेशक पाकिस्तान से अमरिंदर सिंह बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए शपथ तो हो चुकी है और अब खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए जा सकते हैं यहां पर नए मुख्यमंत्री यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी। जैनेन्द्र, बिल्कुल शीरीन, बड़ी खबर, शपथ ग्रहण राजभवन में पूरी हो चुकी है। चन्नी ने दो मंत्रियों के साथ शपथ ली है जिन्हें की उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, रंधावा और ओपी सोनी। और अब यहां से आगे का कार्यक्रम यह है कि अब तस्वीरें भी आ रही हैं, इंतजार राहुल गांधी का काफी समय तक किया, उसके बाद शपथ शुरू हो गई। और अब ये देखिए तस्वीरें अंदर से, जो राजभवन के अंदर की तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं, नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले और नई जिम्मेदारी निभाने जा रहे चरणजीत सिंह चन्नी भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, राज्यपाल जिन्होंने शपथ दिलाई है। और इसी के साथ दो और मंत्रियों को भी यहां पर शपथ दिलाई गई, जिसमें एक नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरा ओम प्रकाश सोनी, दोनों को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। इसकी जानकारी भी एबीपी न्यूज आपको दे रहा है, क्योंकि ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं सबसे पहले आपको हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन दो तस्वीरें, क्योंकि चन्नी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी, खबर यह भी आ रही है कि वो अब इसके बाद यहां से निकलेंगे तो कैप्टन अमरिंदर से भी मिलने जाएंगे। क्योंकि देखिए कैप्टन अमरिंदर को भी आना था लेकिन वो नहीं आए, अब उनकी नाराजगी तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन इसका असर क्या होगा, कैप्टन अगर यहां नहीं आते हैं तो अब वो आगे क्या सोच रहे हैं, ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए जैनेन्द्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त राजभवन के अंदर से आ रही है, लेकिन खबर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप चरणजीत सिंह चन्नी जब यहां से बाहर जाएंगे तो हो सकता है संभवता कि कैप्टन से मिलने जाए। श्रीन मिलने जाएंगे कैप्टन के नजदीकी सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बड़ी जानकारी दी है कि 1 बजे कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस पर पहुंचेंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। देखना होगा कि चन्नी अकेले जाते हैं या उनके साथ सिद्धू भी जाते हैं, दोनों जो मंत्रियों यानी रंधावा और सोनी ने जो शपथ ली है, जो भावी उप मुख्यमंत्री हैं वो भी जाते हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचेंगे कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस पर, 1 बजे मुलाकात होनी है, ये कैप्टन के नजदीकी सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी है। तो बड़ी खबर यह है कि भले ही कैप्टन ने चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में आना जरूरी नहीं समझा, शपथ ग्रहण समारोह में कैप्टन नहीं पहुंचे चन्नी के, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद कैप्टन का आशीर्वाद लेने के लिए, मुलाकात करने के लिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनके फार्म हाउस पर दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पूरा हो चुका है, 11:30 हो चुका है। यहां से कैप्टन के फार्म हाउस तक जाने में भी तकरीबन 30 मिनट का वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण के बाद, राहुल गांधी से मिलने के बाद, सीधा कैप्टन से मिलने जाएंगे चरणजीत सिंह चन्नी। और ये बड़ी खबर है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जरूर की जाएगी चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से। और देखिए ये जो 3 नए चेहरे जो सामने आए, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कल ही डिसाइड हुआ, उसके अलावा 2 चेहरे सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी, क्योंकि तीनों ने ही आज राजभवन में शपथ ली है। मैं जगविंदर पटियाल आपसे समझना चाहती हूं कि यह समीकरण कैसे बैठाया गया और सुखजिंदर सिंह रंधावा इसके साथ ही ओम प्रकाश सोनी, ये किस कैंप से आते हैं, ये कैसा मैसेज देने की कोशिश है कांग्रेस की? देखिए दलित, हिंदू और सिख, इन 3 चेहरों को डिवाइड करना था। पहले मान लीजिए जट सिख को अगर बनाया गया था मुख्यमंत्री तो उनके साथ जो है इंपॉर्टेंट पौधे जो है वो हिंदू और दलित को दिए जाते थे। हालांकि दलित का मसला जब से कैप्टन का मसला फंसा हुआ था तब से अटका हुआ था, कैप्टन भी चाहते थे कि 2 लोगों को तरजीह दी जाए लेकिन सियासत इतनी बड़ी ऐसा हो नहीं सका, तो उसको बैलेंस करने की कांग्रेस ने अब कोशिश की है। एक जानकारी मैं और दे दूं आपको, चरणजीत चन्नी जब यहां से निकलेंगे राहुल गांधी से मिलने के बाद, तो क्या बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी कैप्टन से मिलने जाएंगे? जेस्चर जो ये बनता है कि अगर वाकई ही हाईकमान से नाराज हैं तो राहुल गांधी कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, उनको कैप्टन से मिलने जाना चाहिए। अगर कांग्रेस की राजनीति को और अंदरूनी राजनीति को खत्म नहीं करना है और उस झगड़े को, जो ये झगड़ा पिछले 2 महीने से चल रहा है, इसका अंत करना है, तो राहुल गांधी का ये दौरा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बड़े और एक बुजुर्ग नेता होने के कारण, उनके पिता के दोस्त रहे हैं उनके होने के कारण, माता जी के साथ राहुल की बड़े अच्छे संबंध रहे हैं सोनिया गांधी के साथ, तो राहुल गांधी जा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी ये मास्टर स्ट्रोक लगा देते हैं तो कैप्टन को काफी हद तक बैकफुट पे जाना पड़ेगा और वो कांग्रेस को कमजोर करने की जब भी कोशिश करेंगे तो राहुल इस बात का गिला कर सकते हैं या कैप्टन के मन में ये बात रहेगी। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो कैप्टन के मन की जो पीड़ा है वो और गहरी हो जाएगी। दूसरा, जहां तक बात रही
चरणजीत चन्नी के जाने की। चरणजीत चन्नी शपथ ग्रहण के बाद जाएंगे पंजाब भवन। पंजाब भवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है 12:30 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जाएंगे। जाहिर सी बात है उनकी कैबिनेट में रहे हैं, कई गुस्से गिले भी रहे हैं, दोनों के बीच में कई मुद्दों पर झगड़ा भी रहा है, विवाद भी रहा है। तो ये एक अच्छा मौका होता है कि जब आपको भगवान ने इतना बड़ा ओहदा दिया है तो आप कम से कम जो उम्रदराज लोग हैं या जिनसे फ्यूचर में आपको आपको जो है वो मदद की जरूरत पड़ सकती है या आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं उनके पास जरूर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चन्नी ने ये अच्छा जेस्चर निभाया। अगर ऐसा ही कुछ राहुल गांधी आज कर देते हैं तो कांग्रेस में जैसे नए नए अचंभे हो रहे हैं तो ये भी एक अचंभा होगा और शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो दर्द है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। फिलहाल राजभवन के अंदर जो है जो खान पान की व्यवस्था की गई होती है उसके बाद वो व्यवस्था की गई है और इसके बाद दो तीन चीजें अब जो लॉबिंग किस चीज के लिए शुरू होगी। सबसे पहले अब लॉबिंग होगी कि शासन के बड़े अफसरों में किसको लेके आना है, किसको हटाना है, कैप्टन के किस किस आदमी को बाहर करना है। दूसरी बात यह होगी कि मंत्री पद के चेहरे कौन कौन से होंगे। युवा ब्रिगेड आएगी क्या, हिंदू सिख ओबीसी दलित इन तमाम को देखते हुए अकोमोडेट किया जाएगा या फिर जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था कि कई ऐसे चेहरों को मंत्री लगा दो कि जो हर चीज उनसे पूछ के करे, खुद कुछ करने लायक ही ना हो, या उस तरह की एक डमी सरकार लाई जाएगी। इन तमाम चीजों पर जो है अभी हमारी भी नजर है, दर्शकों की भी नजर है, कांग्रेस करती क्या है इस पर भी नजर है। लेकिन एक के बाद एक खुलासा चौंकाने वाला हो रहा है, एक ना एक नाम चौंकाने वाला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे भी ये जो 4-5 महीने की सियासत है ना, ये चौंकाने वाली होगी। श्री जगविंदर, आपने जो बात कही है मैं इसी से जुड़ा क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। आप जरा समझाइएगा मुझे कि कौन किसका करीबी है। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर दो नाम जिन्हें आज शपथ दिलाई गई है, ये कौन किसका करीबी है, कौन किस धड़े से? देखिए अभी तो ये माना जा सकता है कि इसमें कल तक तो जो है ना वो ये नवजोत सिद्धू ग्रुप था, लेकिन इस डायमेंशंस कल के बाद बदली हैं। कांग्रेस में एक और धड़ा तैयार हुआ है। कल तक तो जो है सुनील जाखड़ भी सिद्धू के साथ थे, कल तक तो सुखजिंदर रंधावा भी सिद्धू के साथ थे, लेकिन सुनील जाखड़ और सुखजिंदर रंधावा को किनारे करने के लिए जो सिद्धू ग्रुप की पॉलिटिक्स हुई है, यानी अपने अंदर के धड़े को भी काट दिया, उसके बाद कांग्रेस में एक नई डायमेंशन पैदा हो गई है कि सुखजिंदर रंधावा ये बात पचा पाएंगे कभी कि यार मैं विधायकों का समर्थन होते हुए भी रह गया और चन्नी बन गया, चन्नी मेरे घर के बाहर सैर कर रहा था और आज मेरे से पहले शपथ ले रहा है। ये ना पॉलिटिशियनों के मन में ये बात रहती है और जब इनको मौका लगता है ना तो ये उसे एंड टाइम पर निकालने में कभी पीछे नहीं हटते, चाहे कोई भी पार्टी हो। सो मुझे ये लगता है कि अभी तक का कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन जिस तरह से चन्नी को ये माना जा रहा है, चन्नी ना कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत ज्यादा आदमी है और मुझे लगता है कि उनको लगता है कि सिद्धू ने बहुत ज्यादा उनकी मदद की, लेकिन जो कैप्टन के खिलाफ विद्रोह हुआ था चन्नी ने उन तमाम चीजों में मदद की थी। सुखजिंदर रंधावा, तृप्त बाजवा और सुख सरकारिया के साथ मिलकर झंडा और बुलंद किया था कैप्टन के खिलाफ। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ग्रुप अभी तक हावी है। सवाल यह होगा कांग्रेस में कि हाई कमांड किसकी पीठ पर हाथ रखता है। जिसकी पीठ पर हाई कमांड हाथ रखता है कांग्रेस में उसके पीछे लाइन लग जाती है। थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, यह भी स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन किसके साथ चलेगा। लेकिन यह इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 का चुनाव आते आते इस कांग्रेस में कई गुल खिलेंगे और वो सारे गुल जो होंगे वो गुटबाजी के होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जगविंदर की, अभी तो इंतजार कीजिए, देखना होगा आगे आगे क्या होगा। मतलब ये कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी या फिर संभावनाएं और भी कुछ देखने को मिलेंगी। अच्छा जगविंदर, क्योंकि मेरे साथ जैनेन्द्र भी बने हुए हैं। जैनेन्द्र, आप कह रहे थे कि कैप्टन से मिलने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी तो जा ही रहे हैं, वो जाएंगे। सवाल यहाँ पर राहुल गांधी का है, क्या वो जाएंगे कैप्टन से मिलने के लिए? देखिए ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि राहुल को जाना चाहिए। अगर किसी सुलझे हुए सियासतदान को अपनी पार्टी की गुटबाजी को खत्म करना हो तो वो ये कदम उठा सकता है। ये कदम उठाने से ऐसा हो सकता है कि जो आने वाले समय में मुश्किल देखनी पड़ सकती है कांग्रेस को, नवजोत सिद्धू की चुनौतियां और कड़ी हो सकती हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को और अंदरूनी गुटबाजी झेलनी पड़ सकती है, उनके फैसलों को लेकर कोई विरोध ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए राहुल गांधी को ये कदम उठाना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से जाके मिले और जेस्चर के नाते उनको ये कहे कि आपको मार्गदर्शन करना है नई सरकार का और यही फिलहाल इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कामयाब होगा। मैं जैनेन्द्र का भी रुख कर लेती हूं। जैनेन्द्र, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, जा रहे हैं राहुल गांधी कैप्टन से मिलने या फिर नहीं? चलिए, जैनेन्द्र से हमारा संपर्क टूट गया, जैसे ही वो जुड़ेंगे उनसे उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो क्या जानकारी, उनके सूत्र क्या कह रहे हैं। जगविंदर, अब ये तो फिलहाल देखिए जो सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में आप भी यही कह रहे हैं और लग भी यही रहा है कि जाना चाहिए राहुल गांधी को।
राहुल गांधी अगर पहुंच भी जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कैसे ये नाराजगी दूर होगी? शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए और जो तीन चेहरे हैं इसको लेकर भी आप कह रहे हैं कि देखिए कैप्टन के बहुत करीबी होता हुआ तो कोई चेहरा फिलहाल इसमें से दिखाई नहीं दे रहा है, तीनों ही चेहरे। देखिए शरीन, होता यह है जो भी बड़े नेता होते हैं ना, ये उम्मीद करते हैं कि जब कोई भी शुभ काम हो रहा हो तो उनको नजरअंदाज ना किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो शपथ में नहीं आए तो राहुल को भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि अगर कैप्टन नहीं आए या जो कैप्टन कर रहे हैं आप भी वही कीजिए। इस वक्त यह है कि कैप्टन दुखी हैं, कैप्टन नाराज हैं। उनके नाम पर चुनाव हुआ था लेकिन उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हुए और विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनको हटना पड़ा। ऐसे में एक जो विधायकी होती है और मार्गदर्शन जो होता है या आगे की राजनीति में कोई बड़ी सियासत ना हो, इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो मौजूदा सरकार है इसमें कलेश नहीं होगा? और उस कलेश के चलते कैप्टन के पास फिर लोग ये कह के जाने नहीं लगेंगे कि देखिए इससे तो आप ही अच्छे थे और 2022 के चुनाव में एक अलग 20-25 एमएलए का धड़ा अच्छा, लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्हीं को आंखें दिखाने लगे। जगविंदर जी, वो वक्त भी तय हो गया है क्योंकि 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो कि नए मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो कैप्टन से मिलने के लिए उनके फार्म हाउस जाएंगे। 1:00 बजे कैप्टन से मिलेंगे नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। अमरिंदर सिंह जो कि नाराज चल रहे हैं, शपथ में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए नहीं आए, शपथ हो चुकी है लेकिन वहां पर वो नहीं पहुंच चुके, आपने सुना, क्योंकि अभी विपक्ष भी इस पूरी स्थिति को बैठकर देख रहा है। यहां पर बीजेपी अब ये कह रही है कि देखिए अब तो वक्त आ गया है कि आप अपनी लड़ाई से निकलकर उन वादों को पूरा करिए जो वादे आपने पंजाब की जनता से किए हैं। हमारे साथ शशि शेखर जी भी लगातार बने हुए हैं। शशि शेखर जी, अब तो तस्वीर साफ हो गई, तीन चेहरे जिसमें एक चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी, ये पहले से ही तय था, सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीसरा चेहरा जिसने चौंकाया वो चेहरा ओम प्रकाश सोनी। देखिए शीरी, एक तो मैं आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं, खासकर जगविंदर पटियाल को। उन्होंने कल से सबसे पहले न्यूज ब्रेक की है और टेलीविजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, तो एबीपी की टीम को बधाई कि रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हुई। अब दो तीन बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। कांग्रेस ने एक बैलेंस करने की कोशिश की है। अमरिंदर सिंह पहले ही लगभग न्यूट्रलाइज हो चुके थे, 13 MLA कुल उनके पास थे और उसमें भी जो कि सबसे खास लोग थे वेरका और राणा, ये बहुत पहले ही उनसे विदा हो चुके थे पिछले अगर 2-3 दिन के घटनाक्रम को देखें तो। आज अमरिंदर उतना इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं नहीं करते हैं, मैं इस पर बहस पर नहीं जाना चाहता, पर कांग्रेस से 4.5 महीने के एक समय में ये काम उनको एक साल पहले करना चाहिए था। चलिए देर से किया पर एक मैसेज जरूर दिया है, एक बहस पूरे देश के दलित समुदाय में उन्होंने छेड़ दी कि देखिए दलितों की पार्टी अगर कोई है, दलितों का ख्याल रखने वाली तो हम है। देश के 28 चीफ मिनिस्टर्स में अकेला दलित मुख्यमंत्री अब तक हमने दिया। एक चीज पॉलिटिकली ये होने वाली है, आप इसको बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई बात है, पंजाब में सर्वाधिक दलित जागृति मैंने देखी है, पंजाब में मैंने काम किया है थोड़ा सा जी, और उस पंजाब की दलित जागृति को यदि मैं ध्यान में रखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है 32% वोटों को ये इकट्ठा करने में कामयाब होंगे। रही बात सोनी, एक 5 बार के MLA है, सीनियर नेता है और रंधावा को उन्होंने साधने की कोशिश की है, पर कांग्रेस में राजनीति आसानी से खत्म नहीं होती। आज राहुल गांधी को एक स्पष्ट और बहुत सुदृढ़ मैसेज देना पड़ेगा क्योंकि जो उनके अपोनेंट है, उनके सामने जो लोग हैं वो बहुत साफ मैसेज देते हैं देश के स्तर पर, तो आज राहुल गांधी को एक स्पष्ट मैसेज देना पड़ेगा, मिस्टर जाखड़ को भी, अमरिंदर सिंह को भी और वो सारे लोग जो कि जरा भी प्रॉब्लम क्रिएटर साबित हो सकते हैं। दो बातें कल के घटनाक्रम से और स्पष्ट है, पार्टी बड़ी साबित हुई है, अमरिंदर उसके बराबर नहीं साबित हुए हैं। उनके यहाँ जितने कम विधायक पहुंचे उससे बिल्कुल साफ हो गया कि पार्टी के MLA फिलहाल चुनाव देख रहे हैं और टिकट देख रहे हैं। ये आज की बात है, कल स्थितियां बदल सकती हैं। दूसरी बात एक बिल्कुल साफ हो गई कि कांग्रेस चुनाव जीते हारे वो अलग की बात है लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक विमर्श खड़ा कर दिया और आम आदमी पार्टी के हाथ से तमाम मुद्दे उन्होंने छीन लिए। अब अमरिंदर सिंह के राज में भ्रष्टाचार हो रहा था, वो बी टीम थे, अकालियों से उनकी साठगांठ थी, वो जाते थे प्रधानमंत्री से मिलते थे, ये सारी बातें नल एंड वॉइड हो जाएगी थोड़े 1-2 महीने के साथ साथ। अगर चन्नी जरा भी समझदारी से चले, उन्होंने विवादों को अवसर नहीं दिया, उनके B2 वाली बात अगर बहुत ज़्यादा नहीं उभरी तो आप ये तय जानिए कि कांग्रेस अपने को मुख्य लड़ाई में खड़ा रखने में कामयाब हो गई है। जीत हार की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि पत्रकारों को कभी भी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए,
आज अगर राहुल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में कामयाब अब तक रहे हैं, क्योंकि वो आज गए हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि मैं इस नई टीम के साथ हूँ, इनके साथ खड़ा हुआ हूँ, पर आज उन्हें इंटरनल मीटिंग्स में बिल्कुल साफ करना पड़ेगा कि जो लोग पार्टी के साथ हैं वे कृपया साथ अब निभाने के लिए भी तैयार रहे और जो नेतृत्व ने डिसाइड किया है उसके साथ वो रहे। और मैं आपको सीरियन बता दूं, चाहे रंधावा हो, चाहे मिस्टर जाखड़ हो, ये सारे लोग परंपरागत तौर पर कांग्रेसी हैं, तो इनके पास भी बहुत चॉइसेस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आज थोड़ा अवसर इन्हें देना पड़ेगा, और अगर चन्नी साफ चलते रहे और ये टीम ठीक से काम कर ले गई तो यकीनन कांग्रेस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अभी तक उन्होंने समझदारी का निर्णय किया है। बिल्कुल सर, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आगे कैसे अब कांग्रेस इसे देखेगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस स्पष्ट मैसेज की आप बात कर रहे हैं वो स्पष्ट मैसेज आखिर कैसे देंगे, क्योंकि सवाल यह भी है कि क्या आज कैप्टन से मिलने के लिए जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, हालांकि देरी से वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब सवाल यह कि यहां के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कैप्टन तो नाराज नहीं आए, तो क्या कैप्टन से मिलने के लिए, उन्हें समझाने के लिए जाएंगे या फिर नहीं, ये फिलहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया शशि शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, सभी हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं। बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। लगातार एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज जारी है, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, चरणजीत चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम, ये एक बड़ी खबर आ गई है। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। ये राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।